जाके हम। ओके सो गाइस देखें आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। अगर मैं करूँ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर करूंगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे चले जाएंगे हम लोग, तो कॉम्प्लेक्स का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा जो ताल्लुक है मतलब जिस प्रिपेरेटरी क्लासेस जिस हिसाब की प्रिपेरेटरी क्लासेस हैं वहां तक का जो ताल्लुक है वो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स का। ठीक है, अच्छा इधर देखें जरा, इस स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड वी हैव टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कैप्चर कि कौन कौन लोग आए हैं। अभी 13 लोग हो चुके हैं और ये लोग जो लेट किया ना इन लोगों ने, क्योंकि पहले स्क्रीनशॉट ली थी और अभी पता चल गया है कौन कौन लेट है। आप लोगों को पता है कि मैं पहले जब आ जाता हूँ तो आप लोगों को पहले आना है, ठीक है? मैं श्योर करता हूँ। शाबाश, इधर देखिएगा जरा, माइक बंद हो जाए प्लीज। संजना माइक बंद करें। इधर देखिएगा जरा, अब यहाँ से ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझते चलेंगे, ठीक है? मगर 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 ये यहाँ पे नहीं समझेंगे। क्या कह रहे हैं? सर ये तो बहुत ज्यादा है। क्या कह रहे हैं? ये ज्यादा है। ज्यादा है? हाँ जी सर। नहीं 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 नहीं, ये आगे आगे प्लीज माइक बंद करें। ये आई थिंक आप न्यू है एंड यू आर नॉट संजना आई थिंक, प्लीज माइक बंद करें। शाबाश, इधर देखें संजना प्लीज, यू हैव टू गो फॉर दैट। ओके लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना जानना ये है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर है क्या, क्या परफेक्ट स्क्वायर या रूट क्या होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। तो देखिएगा एक चीज यहाँ पे जो आपको पता है ना कि देखिए मिसाल के तौर पर 1 = मैं करता हूँ 1 स्क्वायर करता हूँ, 1 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 1 के आएगा। 2 = 2 का स्क्वायर करूं तो किसके बराबर आएगा, 4 के, 4 गुड हो गया। 3 = 3 square = 6 के, 4 = 9 9 9 9 9 16, शाबाश थैंक यू। 5 = 5 square = 25। अब आपको पता है यहाँ पे जादू क्या हो रहा है, मसला ये है जिस नंबर पे स्क्वायर दे रहा हूँ उसका रिजल्ट ये आ रहा है, जिस नंबर पे स्क्वायर दे रहा हूँ उसका रिजल्ट फिर 4 आ रहा है। मसला ये है जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये वाले जो रिजल्ट है ये वाले, इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, समझ आ रही है? यस सर। स्क्वायर है, हाँ यस, ये परफेक्ट स्क्वायर है। मगर बात ये है ये जो 16 बना है, ये 16 अगर परफेक्ट स्क्वायर है किस नंबर से बना है, 4 से, है ना? तो ये जो 4 है, ये जो 4 है दैट इज कॉल्ड रूट, दैट इज कॉल्ड रूट, ये रूट है, 4 रूट है, मगर 4 का जो स्क्वायर होके जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं यू कहूँ आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूँ कि भाई 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या रूट है? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट कौन सा होगा? 6। हाँ शाबाश सर, लेकिन सर 6 जी जी जी, हम इसका भी आगे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा? कैसे सॉरी सर, अगर हम अभी जैसे 36 है, हम इसको स्क्वायर करके इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं ना? हाँ अरीज, वो फिर 36 का परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा फिर कोई रिजल्ट और आना है, ठीक है? जी सर, जी सर, आप सर आपने पूछा कि मतलब ये रूट है या फिर परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे तो सर ये रूट भी तो हो सकता है ना? अरीज 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 अरीज, ये रूट हो सकता है मगर वो डाउट में चीज है। अगर देखें, अगर देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ना? जी सर। हाँ, अगर मैं सिर्फ 5 का पूछूं तो ये रूट हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो फिर आप दावा कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एज अ शेप जो दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर की, उस चीज को हम लोग मतलब डिस्कस कर रहे हैं अभी ना। अच्छा इधर देखें जरा, इधर देखिएगा जरा, मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, देखिएगा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है 36 है तो मैं इसको कहता हूँ 6 × 6 है ना, इज इक्वल टू 6 स्क्वायर हो जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, 6 स्क्वायर में जब मैं रेडिकल देता हूँ, आप लोगों ने ज्यादातर यही किया होगा, रेडिकल देता हूँ तो ये 2, ये रेडिकल और 2 खत्म हो गया और 6 रिजल्ट आ गया। अब ये 6 मिलता क्या है? ये 6 होता है एक्चुअली रूट, ये 6 क्या होता है एक्चुअली, ये रूट होता है।
और अगर मैं ये 6 स्क्वायर करता हूं तो ये पूरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है मेरा, पूरा परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर मैं x पावर स्क्वायर करूं तो x पावर स्क्वायर में रूट कौन सा है, x इज अ रूट, x सब रूट है। अब पूरा अगर मैं कहूं x स्क्वायर पूरा क्या है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना है, got it? इस चीज का ध्यान देना है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है। इधर देखिएगा जरा, अब ये लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ ना कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर विल बी ऑलवेज, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मिसाल के तौर पे मैंने 6 का अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर निकालूँ तो स्क्वायर दूंगा ये हमेशा 36 पॉजिटिव में आएगा। तो नेगेटिव नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, याद रखिएगा। समझ आ गई? यस सर आ गई। शाबाश, गुड हो गया। अब इधर देखना है जरा, इधर देखना है। अब अगर देखें सर नेगेटिव वाला, सर नेगेटिव वाला फिर से दोहराएं। हाँ हाँ मैं दोहरा रहा हूँ, कोई मसला नहीं। इधर देखिएगा जरा, अब मैंने कहा कि माइनस फोर, अगर माइनस फोर का मैं स्क्वायर करूँ इसका मतलब क्या है, माइनस फोर इंटू माइनस फोर है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, फोर इंटू फोर 16। अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर मिला है माइनस फोर होल स्क्वायर का, ये पॉजिटिव मिला है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो भी नंबर हो उसका माइनस, अगर माइनस का है तो नेगेटिव का है, उसका परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आना है। समझ आ रही है? जी सर, थैंक यू। क्या ना, शाबाश 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 शाबाश, गुड हो गया। अच्छा एक बात तो ये है, आपको मिला 36, आपको पता है, आपको मिला मिसाल 100, इसका रूट है 10, आपको पता है। मगर एक तरीका होता है, एक ढंग होता है सॉल्व करने का, ऐसे कैसे पता नहीं है सफा। हाँ अच्छा चले ठीक है, कोई मसला नहीं है। इधर देखिएगा जरा, लेट्स से 256, अब 256 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये पता नहीं है। मिसाल के तौर पे हो सकता है आपको पता हो, शाबाश गुड है माशाल्लाह, मगर मिसाल के तौर पे नहीं पता है तो हमें पता कैसे चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इधर ध्यान से प्लीज, थोड़ा इधर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप लोगों का घाटे में होंगे, ठीक है ना, वो मेरा नुकसान ही होगा, मुझे पता नहीं चल रहा कि आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, मगर ध्यान देना इधर, आप लोगों ने पैसे भरे हुए हैं, ठीक है ना। इधर देखें, आप पता कैसे चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, अब इधर देखिएगा जरा 250, मैं छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैंने कहा कि भाई 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, अरे ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर, पता कैसे करें। चलें देखें, अब आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन का पता था, इसको प्राइम फैक्टराइज कर दें, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 हो गया 2 2। इधर देखिए पेयर बन रहा है 2 और 2, हाँ अगर पेयर बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये जो 4 आप परफेक्ट स्क्वायर, ये पेयर बन गया है। ऐसे ही एग्जांपल मिसाल के तौर पे 8 का लूं, अगर अब 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आया, 2 से डिवाइड किया 2 आया, 2 से डिवाइड किया 1 आया। अब ये पेयर बन रहे हैं, ये पेयर बन रहे हैं, मगर ये पेयर इसका नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 16 का अगर निकालते हैं, 16 का देखिएगा जरा, 16 का अगर मैं निकालूं 2 डिवाइडेड बाय फिर 8 होगा 2 फिर 4 फिर 2 2 2, अब देखिए पेयर बन रहे हैं। हाँ यस सर बन रहा है, हाँ पेयर बन रहे हैं। तो जब ये पेयर कंप्लीट हो जाते हैं ना और कोई रिमेनिंग ना हो, पेयर बन जाए, तो वो जो गिवन नंबर होता है जो 16 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब अच्छा अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो यहीं से रूट कैसे निकालें, देखें इस पेयर में से 2, इस पेयर में से 2, इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपको रूट निकल के आ जाएगा, 4 आ गया। तो 4 क्या है, रूट है 16 का। समझ आ रही है? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, देखे ना, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है अगर तो उसका रूट होगा, तो रूट भी इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 4 इसका रूट खड़ा है, एरिया में रूट भी फाइंड कर रहे हो। मतलब आपस में जब वो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स आप लोग, तो उस टाइम तो आपको पता ही चल गया होगा कि भाई कैसे एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं ना, है ना। दीदी तो समझाई है ना, ऐसा होता है ना, हाँ करना ऐसा ही है। शाबाश, इधर देखिएगा जरा, अब लेट्स से कि 256 है, मुझे बताएं जरा 256 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट क्या होगा, जल्दी बताएं। शाबाश, ये भी सॉल्व करें, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 to 3 minutes। ये कर भी लिया 16 सर, इसका रूट 16 होगा। अब इसका भी बताएं, ये रूट है नहीं है, ये 2, ये तीसरा भी करें, नहीं तीसरा नहीं करें, बस 2 करें, ये हो गया, और इसका करें, शाबाश सेकंड वाला,
देखे रूट है नहीं है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट कहाँ पे है इसका शाबाश मोहम्मद व्हाई आर यू लेट जी जी सर व्हाई यू आर लेट टुडे हाँ लेट क्यों है रूट है तो रूट कौन सा है मुझे बताएं जरा सर एक फाइव है और एक ऑल फाइव है और एक थ्री है फाइव इनटू थ्री गुड हो गया कोई और किसी का रूट ना आया हो यस सर यही है 75 गुड शाबाश अच्छा तो यहाँ पे देखियो अच्छा 75 आया इसका पक्का यस सर 75 कसम से मैं कसम भी दे दूंगा मैं 75 जी जी सर हाँ अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट क्या होगा 75 होगा आई थिंक शहबाज नहीं है इज शहबाज हियर जी सर शाबाश शाबाश शहबाज भाई बाकायदा फोकस करना है ना गुड हो गया जी सर अच्छा अच्छा गुड हो गया माशाल्लाह थैंक यू सो मच फॉर काइंड रिस्पॉन्स अच्छा इधर देखिएगा अब अगर मैं इसको इस चीज को मैंने कुछ चीजें ऐसी बनाऊं 81 परफेक्ट स्क्वायर है 224 का बताएं जरा 441 का बताएं जरा इन तीनों का बताएं शाबाश जल्दी करें प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट है ना थोड़ा बहुत सर 81 परफेक्ट स्क्वायर है सर 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 224 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 224 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नहीं सर पक्का जी सर सर इसमें एक 2 का 2 ही सिर्फ पेयर बन रहा है उसके बाद 51 है तो 51 पे तो नहीं लग रहा तो 51 पे 3 का नहीं जा रहा कितनी मासूम है सर जाएगा लेकिन नहीं होगा ना आगे मैंने किया शाबाश नहीं होगा तो फिर सही है सर 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 22 के पेयर बन रहे आखिर में 27 बच रहा है इसमें 224 में यस सर 27 2 की टेबल हाँ देखें ये कितना बन रहा है 56 बन रहा है 51 सर जी सर 56 बनेंगे सर 56 ओ सर सॉरी 56 हाँ ना तो अब इसका कितना बन रहा है 28 हाँ 14 हो गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर इसका रूट भी नहीं है है ना शाबाश इधर देखिए अब मैं प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर इधर देखिएगा जरा अगर मैं यूं कर रहा हूँ इधर देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ 4 आ रहा है 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ 16 आ रहा है 6 का स्क्वायर कर रहा हूँ 36 आ रहा है 8 का स्क्वायर कर रहा हूँ मेरा 64 आ रहा है यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे 1 आ रहा है 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ 9 आ रहा है 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ मेरे पास 25 आ रहा है अड़ी क्या हो रहा है ये हैं अब देखें यहाँ पे पता है क्या है मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि भाई यहाँ पे इवन नंबर का स्क्वायर कर रहा हूँ अगर इवन नंबर का स्क्वायर दे रहा हूँ तो रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है इवन आ रहा है रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा जो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है अगर रूट इवन होगा एक्सक्यूज मी सर जी बाबू सर ये 7 का स्क्वायर 49 होगा सॉरी हां वो गलतियां हो जाती है कुछ थैंक यू ये रिटर्न में गलतियां हो जाती हैं 49 ओके थैंक यू सो गाइस यहां पे देखें अगर रूट इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ रहा है इवन रूट अगर इवन ही आ रहा है सर शाबाश अगर रूट इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर भी इवन ही आ रहा है अगर यहाँ पे रूट ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ रहा है ऑड आ रहा है हाँ यस सर तो मैं यूं कहूँ कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर विल ऑलवेज बी इवन
एंड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर विल ऑलवेज बी ऑड, तो कह सकता हूं मैं? यस सर कह सकते। शाबाश, गुड हो गया। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट, हम लोगों ने फ्रैक्शन भी पढ़ा था अगर याद हो, जरा ना याद हो, हाँ फ्रैक्शन भी पढ़ा था हम लोगों ने अगर याद हो तो, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब था, मिसाल के तौर पर अगर 1/3 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, न्यूमरेटर जिसका छोटा हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 3/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, प्रॉपर, हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर PROPR। इधर देखिएगा जरा, अदा हेरी डिजाइन, शाबाश। देखिए 2 का जब स्क्वायर कर रहा हूँ तो जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट 2 से बड़ा है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट से बड़ा होता है, आपको पता है ना? जी सर। यस सर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, 1/2 है अगर, ये नंबर है प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका जब स्क्वायर करूंगा ये 1/4 आना है। ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, प्रॉपर फ्रैक्शन का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा छोटा आएगा ओरिजिनल नंबर से, 1/2 से 1/4 छोटा है। वही तरीका अप्लाई करके देखें जरा, 1/4 देखें, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। देखें अब 1/2 जो है बड़ा है 1/4 से, जो परफेक्ट स्क्वायर है प्रॉपर फ्रैक्शन का हमेशा उस नंबर से छोटा आएगा। गॉट इट? नो सर, ये फिर से रिपीट करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इधर देखें, मुझे थोड़ा ये बताएं, मिसाल के तौर पे 2/3 है अगर, अगर इसको मैं 4/9 लिखूं, मुझे बताएं इनमें से बड़ा कौन सा है? सर 4/9 मैंने क्या तरीका बताया था ना आप लोगों को, क्या तरीका बताया था, कोई बताएगा मुझे तरीका? जी सर, आपने कहा था डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ना उतना नंबर जो है ना वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जैसे 4/9 में जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा है, लेकिन ये कम होगी इसकी। जिनकी डिफरेंस कम हो ना वो ज्यादा बड़ा है। देखिए देखिए, मैं शाबाश, मैंने तरीका बताया था, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12। अब ये जो बड़ा 18 आ रहा है, इसका मतलब 2/3 बड़ा है ना 4/9 से, ये तरीका बताया था। yes, क्यों भूल गए सर? जी सर। सर आपने ये भी बताया था ना, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो कम होगा। हाँ, डिनोमिनेटर तब होगा जब न्यूमरेटर सेम हो। जी सर। जी सर, मैंने न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा, मैंने वो सिचुएशन बताई थी अगर याद हो तो, न्यूमरेटर अगर सेम हो। अब देखें मिसाल के तौर पे 3/4 है, देखें 3/4 है, जब इसका मैं स्क्वायर करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, स्क्वायर 3 के ऊपर भी है 4 के ऊपर भी है, ये 9/16 होगा। तो मुझे बताएं ये 3/4 बड़ा है या 9/16 बड़ा है? 3/4 बड़ा है। अब देखें परफेक्ट स्क्वायर तो 9/16 है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर तो बड़ा नहीं हुआ, नंबर तो ओरिजिनल नंबर बड़ा हुआ है। अब इससे नतीजा ये निकलता है, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो हमेशा उससे छोटा होगा। सो 3/4 इज ग्रेटर देन 9/16। समझ आ गई है? यस सर। प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा उससे छोटा होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। सर एक दफा रिपीट करिए वाला। इकरा, मैंने कहा 3/4 है, अब मुझे ये थोड़ा ये सिंपली बता दे कि 3/4 बड़ा या 9/16 बड़ा है? सर 3/4। अच्छा, 3/4 का जब हमने स्क्वायर किया तो रिजल्ट क्या आया है, परफेक्ट स्क्वायर क्या आया है? 9/16। हाँ, तो 9/16 से 3/4 बड़ा है ना, 3/4 एक रूट है, 3/4 क्या है, ये रूट है। अब रूट देखें, रूट 2 है, इसका स्क्वायर क्या होगा 4 ना, तो रूट इस परफेक्ट स्क्वायर से छोटा है, मगर प्रॉपर फ्रैक्शन में रूट बड़ा हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर से। समझ आ रही है? जी सर। हाँ शाबाश, गुड हो गया, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, यू कैन कैप्चर स्क्रीन शॉट, ओके। आगे देखिएगा जरा, ये एक प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी के अलावा एक और भी प्रॉपर्टी है। अब देखिएगा जरा, 2.46 मिसाल के तौर पर, ये 1 से बड़ा है छोटा है? सर बड़ा है।
वन से बड़ा है, शाबाश बड़ा है सर। 0.96 ये वन से बड़ा है छोटा है सर? छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है, शाबाश शाबाश छोटा है। अब अगर मैं यू कहूँ ना कि जो वन से छोटे डेसिमल होते हैं, देखिए मैं कैसे आप लोगों को ट्रैक पे ला रहा हूँ बड़े मजे के साथ हैं, जो वन से डेसिमल छोटे होते हैं उसी का स्क्वायर हमेशा उसी से छोटा होगा, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन का था, समझ आ रही है? उसी का स्क्वायर भी हमेशा छोटा होगा। जैसे कि 0.2 का देख लें, 0.2 का स्क्वायर क्या आएगा? 0.04, हाँ 0.04 आना है 0.2 का स्क्वायर। यस सर, 0.0 जी जी सर। तो 0.2 बड़ा है या 0.04 बड़ा है? 0.2 बड़ा है, इसलिए इसी का परफेक्ट स्क्वायर भी इसी से छोटा होगा, मगर शर्त ये होनी चाहिए। इधर देखें, इधर आंखें खोल के फकद आंखें आप लोग इधर हो, वो सिंधी में चलो तारा तहां जाए रे उजन। 0.2 इज नंबर व्हिच इज लेस देन, व्हिच इज लेस मतलब लेस देन 1, व्हिच इज लेस देन 1, 1 से छोटे हैं डेसिमल, 1 से छोटे हैं उसी का परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो भी उससे हमेशा छोटा होगा, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन का था। समझ आ रही है? गॉट इट? यस सर। शाबाश सर, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आई वाज एक्सपेक्टिंग यू, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, शाबाश गुड। अच्छा इधर देखिएगा, चलें चलें, अगर 64 अपान 80 करता हूँ इसका रूट क्या आएगा, जल्दी बताएं सर? 8/9। हाँ 8/9, शाबाश गुड, क्योंकि 64 का रूट है 8, 81 का रूट है 9, तो 8 विल भी आपका रूट होगा 64/81 का। अगर मैं यही दे दूं अपान 49 तो इसका रूट क्या होगा? 5/7 सर। शाबाश 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 शाबाश। अच्छा चलें, शाबाश, समझ आ गया सबको? यस सर। शाबाश गुड हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बाबू। सर इसका मतलब ये है ना कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सर, उसका जो सर मतलब रूट होता है वो हमेशा बड़ा होता है उससे? इम्प्रॉपर का नहीं, इम्प्रॉपर का नहीं, देखिए इम्प्रॉपर 4/3 है, अगर ये 1 point something हो जाएगा ना, तो इसका स्क्वायर हमेशा इससे बड़ा होगा, मगर इम्प्रॉपर अगर, सॉरी प्रॉपर अगर कर देता हूँ मैं, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन कर देता हूँ तो इसका स्क्वायर हमेशा इससे छोटा होगा। समझ आ रही है? ठीक है सर। हाँ इसका ख्याल रखना है थोड़ा, शाबाश गुड हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छे। अगर आपको यू मिल जाए, देखिएगा जरा, अगर आपको डेसिमल में मिल जाता है भाई 1 point, अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं 1.44, इसका रूट फाइंड करना है, तो हाउ विल यू फाइंड द रूट ऑफ दिस डेसिमल नंबर? क्योंकि वो तो परफेक्ट स्क्वायर था ना, वो तो हम लोग 0.2 का परफेक्ट स्क्वायर कर रहे थे ना ऐसे। अगर आपको डेसिमल का रूट फाइंड करना हो तो व्हाट विल यू डू इन दिस केस? यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग, डायरेक्ट देखिएगा जरा, इसको आपने काट दिया तो 144 अपान क्या होगा, इसकी जगह पे 1, ये दो जीरोस आ गए इधर। अब मुझे पता है 144 का रूट कौन सा है? 12। 100 का रूट yes, कौन सा है? 10। अब 10 आ गया, 2 की टेबल इस पे लगाएं, 2 की टेबल इस पे लगाएं 5, तो ये 0 point क्या होगा, मुझे जरूर कोई बताएगा? 0.6 होगा या कुछ और होगा? यस सर। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, 1.2 मैंने इसको और आप लोगों के लिए आसानी की पैदा की है कि 2 की टेबल 12 पे और 2 की टेबल 10 पे जा रही है, ताकि आप इसको फिर डेसिमल में आराम से कन्वर्ट कर सकें। समझ आ रही है? नो सर, ये समझ नहीं आया। अब आ रही, व्यू व्यू व्यू, एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शाबाश शाबाश एक मिनट, इसको मैं मिटा आ रहा हूँ इधर, जरा देखिएगा, जरा मुझे बताएं, ये 12/10 है ना, आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, अब इसको मैं बस कराता हूँ, ठीक है? सॉरी, मुझे ये बताएं, मासूमा, मासूमा है ना, आई थिंक बस्तावर जो भी है, 12 पे और 10 पे कोई टेबल जा रही है?
यस सर। तो कौन सी टेबल जा रही है बताएं? टू की सिक्स की थ्री की इतना। हाँ टू की जा रही है, सिक्स की नहीं की है। टू ट्वेल्व और दस पे दोनों पे एक जाए। अच्छा ठीक है सर। टू की जा रही है तो टू के ऊपर सिक्स टाइम जाएगी, नीचे फाइव टाइम जाएगी। अब यहाँ पे भी इसको आप सॉल्व करें, टेन डिवाइड बाय मतलब कि ट्वेल्व डिवाइड बाय टेन करें तो ये भी 1.2 आएगा। अगर सिंपलीफाई करके ऐसा भी कर रही है तो इसका भी 1.2 आना है, क्योंकि हमें डेसिमल में चाहिए। 1.44 डेसिमल में था तो रूट भी हमें डेसिमल में चाहिए ना, तो ये रूट हमें मिल जाना है 1.2। समझ आ रही है? अच्छा तो सिक्स और फाइव को डिवाइड करना है आप ये कह रहे हैं? हाँ ना ऐसे ही कर दूँ ना बस, ये आपने ये नहीं कहा। आगे बढ़ू मैं? जी सर। अच्छा एक मिनट, 3.24 का रूट निकाले आप लोग, शाबाश जल्दी करें, गुड हो गया, बहुत अच्छे, बहुत आला सर। रूट निकालें? हाँ इसका रूट निकालें, रूट जल्दी। क्या क्या आ रहा है? 18 बाय, ये ना कर बना। सर इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है या फिर रूट निकालना है? रूट निकालना है, रूट सर 18/10। ये ना क्यों 18/10 ना, ये ना सर 1.8 सर 3.24 3.24 को मैंने डेसिमल को पहले खत्म किया तो 3.24 अपन 100 होगा। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना? मजाक आप लोगों से नहीं करूंगा तो क्या इधर मैं शहर में जाके किसी को कहूंगी रुको भाई आपके साथ मजाक करनी है, ऐसा तो नहीं करूंगा ना मैं। 324 का रूट कौन सा मुझे कोई बताएगा? 18 है इसका रूट, 100 का रूट कौन सा है? 10। शाबाश, अब 2 की टेबल लगाए सेम तो ये क्या आएगा? 9/5 आएगा, गुड हो गया। 5 की टेबल लगाए यहाँ पे तो 1.5 की टेबल गई, 4 बचा, फिर पॉइंट दे के 0 यहाँ पे दे दिया आपने, 5 की टेबल फिर इस पे गई 8 टाइम, ये आपका बच गया 1.8। जी का दे जाओ? यस सर, गुड। यस सर समझ आ गया। हाँ तो ये रूट होता है। यस सर समझ आ गया। हाँ अगर मैं ऐसे बढ़ता चला जाऊँ ना समझा के, अगर मैं आप लोग ये क्वेश्चन ना दूं तो आई थिंक आप लोगों का फिर क्लियर नहीं होगा, है ना? मुझे जो लग रहा है सर। सर ये 18 तो 3.24 का रूट है तो फिर सर 9 18 का रूट है? नहीं रूट नहीं है ना, हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं सिर्फ डिवाइड करने की खातिर, डिवाइड करने का आसानी के लिए हम सिंपलीफाई कर रहे हैं। 2 की टेबल लगा रहे हैं दोनों पे 10 और 18 पे, रूट कैसे है? अच्छा सर फिर 324 डिवाइडेड बाय 100 है जो, सर इस पे हमने टेबल कौन सा लगाया? टेबल नहीं लगाया, अब इसके रूट निकाले हम लोगों ने सिंपली 324 के रूट 100 का रूट निकाला है तो ये 18 और 10 आ गया नीचे, डिवाइड नहीं किया है। जब ये रूट निकल जाएं सर अगर हम, हाँ सर अगर हम ऐसे करें इसको डिवाइड करें तो फिर? नहीं इसको डिवाइड करेंगे तो बस वो तो फिर आपने सवाल सॉरी इसको डिवाइड नहीं करेंगे, पहले आप पहले इनके रूट निकालने की कोशिश करेंगे। रूट निकल गए क्योंकि फिर हमें डेसिमल में चाहिए, क्योंकि ऊपर 3.24 डेसिमल था तो हमें रिजल्ट भी डेसिमल में चाहिए। डेसिमल में लाने के लिए भले आप 10 को डिवाइड भी करते ना 18 से तो भी आपका 1.8 ही आएगा। जी ठीक है सर। माइक बंद करें, आवाज आ रही है आपकी तरफ से? ओके सर शाबाश, मैं आगे बढ़ूं अभी? यस सर। जी सर। ये कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट का इतना बड़ा नहीं था, मगर हम लोग थोड़ा घबरा भी जाते हैं ना, ठीक है ना? अच्छा तो कोई मसला नहीं है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को करवा दी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे से करवा दी ये चीज़ है ना, और ये हो गया तरीका।
एंड उसके बाद ये देखिए अभी अभी करवाया मैंने आप लोगों से, ये वाला सॉल्व करवाया है, ये वाला सॉल्व करवाया है, ये वाला सॉल्व अभी आप लोग मतलब ये भेजूंगा तो आप लोग कर लीजिएगा, फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा इनको, ठीक है। एंड उसके बाद अब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, वाह वाह, जो वर्ड प्रॉब्लम हमें मतलब तंग करते हैं ना, जिसको हम सिंधी में कहते हैं छितों का नाना था के, है ना, दिखावट डियारी नाना था के। सो ऐसे तरीके से कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम जो हमें मतलब के गुस्सा दिलाते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बार याद रखिएगा, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ गाइज, एक बात याद रखें, मुझे सुने जरा, इधर इधर सुने, अब अरे कान डिजाइन कन डिजाइन, ठीक है ना यार। बात यह है कि जहां पे आपको कॉन्सेप्ट नजर आए ना कि ये स्क्वायर क्या है, मतलब कहीं पे आपको नजर आ रहा है कि यार 3x3 है, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई 3x3, आपको कोई कह रहा है कि भाई कमरा बनवाना है भाई का, मिसाल के तौर पे, ठीक है, हाँ आइया भेण भी आइया, अम्मा कमरा बैठायो जो भाजो, हाँ वाह, क्या लिया है कि बात यह है कि कमरा कितने का भाई, 3x3 का बनाना है, 4x5 का बनाना है, 6x10 का बनाना है, 16x18 का बनाना है, 14x16 का बनाना है, कितना कमरा। अगर आपको कहा जाता है कि भाई नहीं 16x मिसाल के तौर पे 5x6 है तो ये लेंथ में थोड़ा फर्क होगा, मिसाल के तौर पे यूं होगा, तो ये स्क्वायर तो नहीं है, तो ये स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि ये 5x6 हो गया मिसाल के तौर पे। अगर 5x6 का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे 5 फुट 6 फुट इधर लेंथ, अगर आपको कहा जाए कि नहीं हमें 5x5 का बनाना है, नहीं हमें 5x5 का बनाना है, 5x5 का मतलब है कि अब लेंथ भी 5 और विड्थ भी 5, हल छा करने वाला, हाँ ऐसे मिसाल के तौर पे, ये भी 5 फुट ये भी 5 फुट, तो अब क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। कहीं पे भी आपको पता चले कि या नजर आए कि भाई कहीं पे स्क्वायर बन रहा है चीज, तो वहां पे आप लोगों का रूट होगा, क्या रूट निकलेगा, वहां पे रूट निकलना है। वैसे ही देखे ना, एरिया अगर यूं है, अगर स्क्वायर शेप का एरिया होता है, हम लोग क्या करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए 25 यूज करते हैं, मतलब 25 होता है, 5 × 5 = 25 एरिया आ जाता है। अब एरिया अगर मिला होता है तो स्क्वायर की साइड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, सिंपली रेडिकल फाइंड करते हैं और स्क्वायर की हमें एक साइड मिल के आ जाती है। दरअसल ये रूट का कॉन्सेप्ट है, शेप पे हमें एरिया बस आ गया है कि भाई ए इंटू बी करना है बस, और एक्स इंटू एक्स हो जाएगा क्योंकि ये इनकी शेप सेम है, इसलिए तो ये रेडिकल आ जाता है, रेडिकल इसको देते हैं हम लोग, इधर भी रेडिकल देते हैं, ये तो कैंसिल हो जाता है मगर ये बेचारा रह जाता है ना। ये सारी चीजें जो है हमारी स्क्वायर से ही निकली हैं, मगर हमें समझ आए तब। अब इधर देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़े, मैं आपको समझा रहा हूँ स्क्वायर का कैसा मतलब है, क्वेश्चन को जरा पढ़ें और गौर से पढ़ें, शाबाश। क्वेश्चन को जरा पढ़ें और गौर से पढ़ें, पढ़ लिया? यस सर पढ़ लिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्या समझ आ रहा है? सर ये कह रहे हैं कि जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो पिकनिक के लिए जो मनी उन्होंने जमा किया है, हाँ? तो उन्होंने टोटल जो है ना उनकी 4761 हो रही है, तो आप बताएं कि एक बच्चे ने कितने भरे पैसे। सही इकरा, यस सर। अच्छा 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 अच्छा, कोई और इसको बयान करेगा? सर यही सेम कि क्लास 7 के मतलब स्टूडेंट्स ने पिकनिक के लिए पैसे लिए, कलेक्ट किए। पता है हम लोगों ने ना, जब हम लोग, सच्ची बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, मतलब ऐसे ही मैं, क्योंकि ये इफेक्टिव मतलब फीडबैक ऐसा समझे, जब हम लोग इस नजर से पढ़ते हैं ना, इसलिए हमें वर्ड प्रॉब्लम बस समझते हैं कि बस लीका हणी नहीं के बस छदी नहीं है ना, तब हमें ये वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप लोग इन्फॉर्मेशन को सही से नहीं देखते। देखिएगा जरा, उम्मीद है कि सारों ने ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे ही ज्यादातर होता है। देखिएगा भाई, आप लोगों ने इन पैसों पे किया ध्यान, देखिएगा जरा मैं बताता हूँ कैसे। वर्डिंग को पढ़े, वर्ड को कह रहे स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, क्लास 7 कलेक्टेड मनी फॉर पिकनिक। चले ये तो एडिशनल है, पिकनिक के लिए की है, मगर देखिएगा जरा, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मच रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा खतरनाक इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप लोगों को सॉल्व कराने पे हेल्प करती है। अब यही डेढ़ लाइन जो है ना, डेढ़ लाइन ही बहुत खतरनाक है, ये वाली लाइन और यहाँ तक, ये इस लाइन से थोड़ा समझें कि ये मतलब क्या क्या आ रहा है। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड, हर एक स्टूडेंट ने उतने कंट्रीब्यूट किए एज मच रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट।
जितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, मिसाल के तौर पर अगर 40 प्रेजेंट थे, हर एक ने 40-40 दिए, हर एक ने 40-40 दिए, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन समझ आ रही है? यस सर। तो मुझे बताएं, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है स्क्वायर का? यस सर। क्या आ रहा है? 40-40। देखें, अगर मिसाल के तौर पे मैं यूं कहूं कि भाई एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे हर कोई 40-40 मतलब देता जा रहा है। मिसाल के तौर पे ये यूं है, ये स्क्वायर है ना, ये 4x4 का है, तो ये 4x4 का स्क्वायर है, तो हर कोई कितना दे रहा है? मिसाल के तौर पे ये टोटल अगर ये 16 स्टूडेंट्स हैं, तो हर कोई 16 देता जा रहा है, 16 16 16 16 16 16 16 16, ऐसे ऐसे कोई हर कोई देता जा रहा है। मगर मतलब की बात ये है कि यार ये कोई स्क्वायर शेप्ड कंसेप्ट है। हम लोगों ने इससे पहले, इस इंफॉर्मेशन से पहले पहले ये वाली इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है? अब यहाँ से जब स्क्वायर की एक शेप आ गई, ये स्क्वायर की शेप आ गई, अरे ये क्या हुआ, ये तो जादू हो गया हमारे पास, स्क्वायर की शेप आ गई है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर की शेप है और सारों ने जो जमा भी किए हैं, तो सारों ने जब जमा करते हैं तो हमारे पास ऐसा समझें कि एक एरिया नुमा आ जाता है। जब ये टोटल कलेक्शन है तो क्या पूछ रहे थे, टोटल कलेक्शन फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड बाई ईच, हर किसी ने कितने पे किए, तो इसका रूट निकलेगा, निकालें रूट क्या आता है, शाबाश निकालें जरा, मैं देखता हूँ जी। सर हो गया सर, एक 3 का पेयर है और एक 23 का पेयर है। 323 का नहीं आएगा, आई थिंक 69 या कुछ ऐसा ही आएगा। नो सर, एक 23 है और एक 3 है और इनका टोटल हुआ 69। हाँ 69 ही होगा ना, वही तो कह रहा हूँ। हाँ पेयर की बात कर रही है, सॉरी सर, हाँ पेयर की सही है ना, 3 3 23 23, ऐसा है ना? यस सर। हाँ ऐसे ही है, तो 69 आ रहा है, तो रूट इसका क्या निकला, 69। तो अगर तो हर एक बच्चे ने कितने पे किए, 69, और टोटल स्टूडेंट कितने थे सर? 69। शाबाश, तो ये थोड़ा दिमाग में घुसा? यस सर। समझ आया? आगे 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 वाला क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा, देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें, शाबाश इस क्वेश्चन को पढ़ें। व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, देखें इंफॉर्मेशन पढ़ें जरा, इन्फॉर्मेशन पढ़ें क्या कह रहा है, बहुत खतरनाक इन्फॉर्मेशन है, शाबाश। जी सर, ये कह रहा है कि 1225 प्लांट्स है जो मतलब तरतीब बार रखने हैं लाइनों में, ठीक है जी, तो हमें बताएं कि वो प्लांट्स की तादाद कितनी होगी सर, जो हम कितनी प्लांट्स की तादाद होगी और कितनी रोज होगी। हाँ देखें, समाओ माशाल्लाह शहबाज ने बहुत अच्छा ट्राई किया, इज देयर एनीबॉडी हु वुड ट्राई दिस? यस सर। सर ये कह रहे हैं कि मतलब 1225 प्लांट्स हैं, उनको मतलब कई ज्यादा रोज में ना अरेंज किया हुआ है, और दे आर प्रेजेंट मतलब वो जो प्लांट्स है ना वो रो में रखे हुए हैं, तो उन जो प्लांट्स है ना मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो फाइंड करें जो ईच रो में रखे हुए हैं, हर एक रो में जितने भी प्लांट्स है ना वो बताएं कितने हैं। हाँ देखे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अरीज धोखा खा गई है, देखें कोई मसला नहीं है, धोखा भी खाए कोई मसला नहीं है, मैं कहता हूँ आप लोग सिर्फ आगे आए ताकि पता चले कि भाई हम लोग किस अंदाज से आप लोगों को समझाएं। देखें मसला क्या है, मतलब कह रहे कि जी सर पता, देखें मैं इसमें जी बाबू जी सर इसमें कह रहा है कि हर रो में कितने पौधे आएंगे, ये पूछ रहा है सर, पूछ ये रहा है। असल मसला ये कि वो बताया क्या रहा है वो भी तो है ना, देखिएगा कह रहा है कि There are 1225 plants arranged in, ये arranged है, देखिएगा
as many rows as there are plants in each row. ये information देखें, as many rows as there are plants in each row. मतलब की बात यह है कि जितनी रोज हैं, जैसे कि ये पांच रोज हैं, तो हर रो में भी पांच पौधे हैं. जितनी रोज हैं, हर रो में पांच पौधे हैं. तो ये देखिए स्टेटमेंट देखें ना, मैंने आपको क्या कहा था, जब तक वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट नहीं समझता आपको पता नहीं चलेगा. तो फिर आप ये नहीं जान पाते कि भाई ये स्क्वायर का है, रूट का है, क्यूब का है, ये किसका है. हाँ, तो ये जान नहीं पाएंगे आप लोग. तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एज मेनी रोज एज देयर आर प्लांट्स इन ईच रो. इंग्लिश की तो समझ आनी चाहिए ना, एज मेनी रोज एज देयर आर प्लांट्स इन ईच रो. हाँ, तो इसका मतलब क्या निकला, अभी कोई बताया मुझे. शाबाश जी, सही है. 35 होगा इसका आंसर. यस सर, 35 आंसर होगा इसका. तो देखिए आंसर पे तो हम लोग चले गए ना, वो तो रूट पता चल गया, निकालना रूट है. ये कॉन्सेप्ट समझ आया है? यस सर, कॉन्सेप्ट भी आ गया. हाँ, ये तो 35 है, ये 35 क्या है, 35 क्या है सर? ये एक रो में जितने पौधे पड़े हैं. हाँ, एक रो में जितने प्लांट्स पड़े हैं, ये वो हैं. अच्छा, ये वो हैं. तो रो कितनी है, रोज भी 35 होगी. जितनी रोज हैं, हर रो में उतने ही पौधे हैं. वही बात होगी, जितने क्लास में स्टूडेंट थे, हर एक ने उतने ही कंट्रीब्यूट किए. हाँ, तो माशाल्लाह समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन. यस सर, आ गया. यस सर, आ गया. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पॉन्सेज. ये पढ़ें जरा. देखिए मैंने वही कॉन्सेप्ट दिया है ना, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज डैश स्क्वायर मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट साइड. देखिएगा, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर शेप्ड है, इसका एरिया यही है, एरिया ये है. तो यार वही है, जब एरिया निकलता है स्क्वायर शेप का, तो उसका रूट निकालते हैं ना, उसका रूट निकालते हैं. ऑब्वियसली जब उसका रूट निकालते हैं हम लोग हैं, तो उसकी साइड मिलती है, उसकी ये वाली साइड्स मिलती हैं, क्योंकि चारों साइड बराबर है उसकी. तो इसका रूट क्या होगा, ऑब्वियसली इसका रूट क्या होगा. तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, खुदा रहा ऐसे अगर क्वेश्चन आप लोग डील करते हैं कहीं पे, तो फार्मूला ना लगाना स्टार्ट कर दें, फार्मूला लगाना स्टार्ट ना कर दें. जबकि एरिया है बस, ठीक है, रेडिकल निकलेगा, साइड निकल के आ जाएगी, कौन सी तकलीफ कर दी है. हाँ, हम टाइम वेस्ट तब करते हैं जब हम लोग फार्मूला पे भाग जाते हैं. समझ आ रही है? यस सर. हाँ, शाबाश, गुड 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 गुड. सर इसका आंसर 15.5 आएगा, क्योंकि एक साइड की लेंथ 15.5 है. हाँ शाबाश, 15.5 मतलब 15.5. शाबाश शाबाश, गुड. हर किसी ने कर लिया ये? यस सर. शाबाश, गुड. और आप लोगों में से इंग्लिश की क्लास कौन कौन नहीं लेता? सर मैंने जस्ट कल ले ली थी. हाँ, इंग्लिश की क्लास डेली लेनी है प्लीज, मजबूरी वगैरह अलग बात है. जो इंग्लिश क्लास नहीं ले रहा, वो मैम मुझे स्क्रीनशॉट भेजती हैं, भाई किसकी एब्सेंट चल रही है, किसकी ज्यादा एब्सेंट नहीं है, ये सारी चीजें आप लोगों की चल रही होती है. तो कल से मैं भी इंशाल्लाह सारा नोट कर लूंगा, और आज से मैंने किया है. जो क्लासेस नहीं ले रहा, तो प्लीज दे विल सफर समथिंग. ओके, एंड देन आफ्टर दैट इट कैन बी पॉसिबल कि मैं सर्टिफिकेट ना दूं उनको. जिनकी तीन से ज्यादा एब्सेंटीज हुई, मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा. और फिर आप लोग कहेंगे सर सर्टिफिकेट नहीं है. तो एक चीज याद रख लीजिएगा, जब आप लोग क्लासेस नहीं लेंगे, आपके पास उतना कंटेंट नहीं होगा. अब हमारे सर्टिफिकेट देने का मतलब ये होता है, आप हमारे पास ये कोर्स पढ़े हैं, ये आउटलाइन आप लोगों ने पढ़ी है, और आप लोगों को आउटलाइन आती है. सर्टिफिकेट देने का मतलब ये है. और कल को आप सर्टिफिकेट उनको दिखाएं और आपको आए कुछ नहीं, तो ये तो हमारी डिमांड खत्म हुई ना फिर. हाँ, मुझे बताएं, ऐसा ही है ना? ऐसा है ना? जी सर. जी सर, जी ऐसा ही है. तो ये चीज आप लोग नहीं करनी है. इंग्लिश क्लास दे सर, एक्सक्यूज मी सर. जी करा, क्या आप ये करवा सकते हैं, ये 240 वाला स्क्वायर वाला? कोई मसला नहीं है, मैं करवाता हूँ. एक मिनट, देखिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा, बस थोड़ा हेरे ध्यान हो जाए. हाँ इकरा, देखिएगा मैं यूं जा रहा हूँ, 240.25 है. इसको आप क्या करें, फ्रैक्शन फॉर्म में लाएं. हाँ, फ्रैक्शन फॉर्म में
क्या होगा 240 25/100 हाँ इसका इसका रेडिकल निकालें जरा, मतलब सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए निकालें, क्या निकलेगा सर 155 आएगा। देखिएगा इकरा इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे या 3 का जाएगा, नहीं 3 का नहीं जाएगा, 5 के टेबल लगाएंगे आप तो 5 4 20 ये हो गया आपका 4, फिर 4 उधर गए 8 हो गया, फिर ये 0, फिर वो 2 उधर गए, तो मतलब ऑब्वियसली ऐसा ही होगा तो 5 आएगा है ना जी सर। फिर 5 की टेबल जाएगी 9 5 45, फिर 3 की टेबल वहां पे 6 and 1 ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 की टेबल, 3 की टेबल जा रही किसकी, नहीं 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 सर 5 की जाएगी ना, 5 की 24025 हाँ ऊपर तो 5 की गई है ना, तो रिजल्ट जो आया वो देखें, इस पे किसकी जा रही है 3 की जा रही है, 3 की भी नहीं जा रही ना, और 7 की शाबाश 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 देख लें, मुझे यहाँ पे मच्छर ही खा रहे सर 31 की जा रही है, 31 की शाबाश, मतलब की बार ये है कि क्योंकि हम लोग 32 या 30 नहीं जाएगा, ये 1 है यूनिट डिजिट है, शाबाश 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 तो 31 की जाएगी, तो यहाँ पे 31 होगा, यहाँ पे आई थिंक ऐसे ही सर हमें कैसे सर बाबू सर इतनी बड़ी रकम हमें कैसे पता चलेगा इसका पढ़ा जाए बाबू। दरअसल ये है कि एक तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, दूसरी बार ये होती है कि आपको देखना पड़ता है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, देखिएगा अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ ये जो लास्ट वाला यूनिट डिजिट है, ये वाला जो यूनिट डिजिट है ये इसका हमेशा लास्ट 1 आएगा, या 99 करता हूँ लास्ट वाला 9 हो तो उसका स्क्वायर करूंगा लास्ट वाला तो ये 1 आएगा, इसका मतलब है कि ये 961 के लिए या तो हमारा आ सकता है 21 नहीं आया तो 29 आ सकता है या 31 आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा क्रिटिकल होना पड़ता है, जरूरी नहीं है हर नंबर ट्राई करें आप लोग, हाँ समझ आ रही है जी सर। जी सर हाँ तो ऐसे ट्राई करना है आप लोगों को, फास्ट जाना है बहुत ही, तो उस हवाले से तो इसका क्या, लेकिन सर इनके इनका स्क्वायर लेना ही हमने ऑड नंबर में आना है के भी, हाँ क्योंकि ये ऑड है ना, लेना ही ऑड है तो 29 या 31 ये ऑड ही होंगे तो इवन भी नहीं लेना है, और ऑड में जैसे कि 23 इससे भी हेल्प मिल जाती है, हाँ इससे भी हेल्प मिल जाती है, अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर ऑड नंबर ये है इसका मतलब ये है कि इस पे स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर का होगा, है ना जी सर। शाबाश शाबाश बहुत अच्छे बहुत अच्छे हरीश, दैट्स वंडरफुल माशाल्लाह, आपकी मैथ्स अच्छी है इसलिए आपने मैथ्स डिपार्टमेंट लिया है ना। 31 यस सर, अब 5 ये 31, 5 और 31 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 155 बनते हैं, इकरा जी सर 155 आ गया, ये 100 हो गया, ये 100 की जो स्क्वायर आएगा वो रूट आएगा 10 आएगा, है ना। अब इस पे आप लोग या डायरेक्ट टेबल लगा दें या आप और 55 की टेबल लगा दें भी कोई मसला नहीं है, 3 1 होगा अपन क्या आएगा 2, अब 2 को डिवाइड करती हैं तो ये 15.5 बचेगा आएगा जी सर। शाबाश बहुत अच्छे, समझ आ गया तो यस सर आ गया, शाबाश गुड हो गया। तो हम लोग गाइज क्योंकि वीकली फर्स्ट वीकली जो टेस्ट है वो भी सॉल्व करनी है, तो वो सॉल्व कब करें हम लोग, जी जब आप सर तो देखते हैं हम लोग टाइम निकालते हैं वीकली वीक का, इस वीक का जो है हम लोग मतलब देखते हैं कि कोर्स पूरा कर लें, कल नहीं परसों आप लोग टेस्ट निकाल लें, फिर इंशाल्लाह वीक का भी सोचते हैं कि टेस्ट भी सॉल्व करवाते हैं ठीक है। और उसके अलावा आज का लेक्चर अच्छा समझ आया, यस सर जी सर जी सर माशाल्लाह बहुत अच्छा सही। अब लोग आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों के लिए कितने परसेंट ये लेक्चर न्यू था और कितने परसेंट मिसाल के तौर पे न्यू या हेल्पफुल था अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, वर्ड प्रॉब्लम भी हो गया या, क्योंकि ये मुझे देखना है, कमेंट में बता दें कमेंट्स में शाबाश जल्दी सर कितने परसेंट हो सकता है जी बाबू
शाबाश, जल्दी जरा थोड़ा सोच के ये बताएं। 50% ओके मोहम्मद अली, 100% शाबाश, थैंक यू स्नेहा। वर्ड प्रॉब्लम न्यू तो थे पर मैं कह रहा हूँ वो समझ कितने आए, अच्छा कंसेप्ट जो मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली दीज वर न्यू एंड फॉर एवरीवन। गुड हो गया, 100% शाबाश, थैंक यू इकरा सिद्दीकी। 100 सर आपने, सर थोड़ी, सर आपने टेक्निकल चीजें बताई हैं सर, ये हमें पहले नहीं आती थी। यही शहबाज, आपके एक बात बताऊं यार, मतलब माशाल्लाह हमारी एकेडमी का ना एक यही भी चीज खूबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि क्योंकि मैथ्स एक तो मैं पढ़ाता हूं और मैं हमेशा टेक्निकल चीजें बताता हूं। वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को हजारों लोग करवाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को यूट्यूब पे भी पढ़ जाएंगे, मगर कुछ लोग यूट्यूब पे होते हैं जो कि आप लोगों को क्रिटिकल तौर पर आप लोगों को प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कराते हैं। बाकी वही है, शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा, हर चीजें पढ़ी है, क्रिटिकल होके आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा, एक याद रखिएगा मेरी बात, समझ आ रही है? जी सर। यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड हो गया, बहुत अच्छे माशाल्लाह। सो गाइस, सो नाइस ऑफ यू माशाल्लाह, एंड बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को 100% समझ आ रहा है, अदरवाइज कुछ कम होता ज्यादातर तो फिर मैं सोचता कि हो सकता था कि टीचिंग पे थोड़ा बहुत इधर मसला है तो मैं टीचिंग स्ट्रेटजीज चेंज करता। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ऐसा वे बहुत अच्छा है ना सर। सर ये आज की रिकॉर्डिंग लेके ना यूट्यूब पे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आज की मैं भेज देता हूँ। जी सर, मैं कोशिश करती हूँ ना दोबारा समझने की, अच्छी सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को भेज दूंगा। एंड उसके बाद एक मिनट, एक न्यू मैसेज मुझे है, एक मिनट दबर पर न्यू थे मेरे लिए, लेकिन पहले पता नहीं था क्योंकि, थैंक यू सो मच अरीज, थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ कॉमेंट, थैंक यू सो मच। चलें सो शुड वी से गुड लक? यस सर। शाबाश सर। यस सर। गाइस गुड लक। जी जी जी। सो गाइस गुड लक, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहिए, ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।